हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको बहुत सारे टीचर्स इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं लाइटली ले जाते हैं। ये टॉपिक है बेटा ओम्स लॉ। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द बेसिक लॉ। अब बेटा जब भी दुनिया के अंदर कॉम्पिटिशन से हारोगे ना, बेसिक्स के कारण हारोगे, ये मेरी बात लिख के ले लो। दुनिया में अगर आप हार रहे हो किसी कंपटीशन में तो बेसिक्स के कारण ही हारोगे, ये मेरा आपसे वादा है। बिकॉज जिस बच्चे को बेसिक्स नहीं आते उसको एडवांस नहीं आ सकता, और जिसको एडवांस नहीं आता वो कंपटीशन में बैठ ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आज मैं यहां पर आपको ओम्स लॉ इन डिटेल डिस्कस करवाने वाला हूं। सबसे पहले तो इस टॉपिक की हेडिंग का नाम लिख लेते हैं यहां पर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ को समझने से पहले आपको तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेंगी कि बेसिकली ओम्स लॉ बना कैसे। तो ओम्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक छोटी सी डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। सो बेसिकली कंसिडर करो कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के बीच में से हमने एक तार निकाली, उसके साथ एक पोटेंशियल लगाया इस तरीके, ठीक है। इसको हाइयर पोटेंशियल बोल देते हैं, इसको लोअर पोटेंशियल बोल देते हैं। ये बेसिकली चार्जेस को मूव करवाता है इस पूरे के पूरे सिस्टम में से। ये चार्जेस को बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी जस्ट रोटेटेड और कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सो बेसिकली पोटेंशियल का काम बेसिकली क्या है कि वो यहां से चार्जेस को छोड़ता है और यहां से रिसीव करता रहता है। सो बेसिकली चार्जेस को एक प्रेशर के साथ छोड़ना और रिसीव करना, ये काम होता है बैटरी का, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल है कि आप जैसे अपनी मोटरसाइकिल देख लो या अपनी साइकिल देख लो, ठीक है, उसकी जो चेन है वो घूमती रहती है, बट जो चेन के बेसिकली जो वो निक्स होते हैं, जो लिंक्स होते हैं, वो बढ़ते कम होते तो नहीं है, जनरेशन तो नहीं उनकी हो रही, बट वो रोटेट किए जा रहे हैं। बाय होम, बाय यू। आप साइकिल चलाते हो, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, वर्क डन होता है और हमारे पास वो चेन जो है वो पूरी घूमती है। उसी तरीके से ये जो चार्जेस हैं ये मूव करते हैं थ्रू आउट दी कंडक्टर, ये इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्क डन हमने क्या किया, बेसिकली हमने इस कंडक्टर में से चार्जेस को पास करवाया, तो यानी कि हम इसके अंदर से वर्क डन कर रहे हैं। तो वर्क डन इन पासिंग द चार्ज क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने क्या किया, ग्लू पेन लेते हैं, हमने यहां पे एक लगा दिया वोल्ट मीटर। अब एज वी नो कि वोल्ट मीटर हमेशा जो है वो पैरेलल में लगता है और ये वोल्ट्स बता देगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे हमें बता देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने चार्जेस पास किए हैं पर यूनिट टाइम। उसको समझने के लिए आपको यहां पे लगाना पड़ेगा एक करंट मीटर और एमीटर, जिसको बोल देते हैं, बिकॉज करंट जो होता है उसको एम्पियर्स में मेजर किया जाता है। तो यहां पे हमारे पास एक लग जाएगा एमीटर और एक लग जाएगा वोल्ट मीटर। एमीटर बेटा हमेशा सीरीज में लगता है सो दैट कि हमें ये पता चल जाए कि टोटल कितने चार्जेस पास कर रहे हैं। तो जितने चार्जेस के बीच में से पास कर रहे होंगे उतना ही क्या होगा, हमारा करंट होगा ज्यादा। और उसी तरीके से पोटेंशियल जो है वो हमेशा पैरेलल में मेजर किया जाता है, इसलिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ ऐसा कि यहां पे एक टेबल बनाया गया। पर टेबल बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे एक चीज की यूज किया गया जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। उसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, यहां से हमारी जो पोटेंशियल है वो वेरिएबल हो जाता है। वेरिएबल इन सेंस जैसे आपके पंखे का नॉब है, आप अपनी मर्जी से स्पीड बढ़ाते हो या कम करते हो तो बेसिकली वोल्टेज बढ़ाई जाती है या कम की जाती है यूजिंग दैट नॉब।
तो वैसे ही नॉब हमने यहाँ पे लगा दी है, जिसको अगर आप घुमाओगे बढ़ाओगे कम करोगे तो पोटेंशियल जो है वो चेंज करता रहेगा, क्योंकि बेसिकली जो पोटेंशियल है उसको प्रोवाइड करना किसका काम है, बैटरी का। तो बेसिकली क्या करते हैं कि हम यहां पे एक टेबल बना लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहां पे लिख देते हैं वोल्ट और यहां पे लिख देते हैं करंट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब आप पोटेंशियल जीरो देते हो यानी कि बैटरी को बिल्कुल जीरो पे रखते हो तो करंट पास करेगा, बिल्कुल नहीं पास करेगा, करंट क्यों पास करेगा भाई। फिर उसके बाद जब आप इसकी वोल्टेज को करते हो थ्री सपोज करो तो करंट आता है 1 एम्पियर, वोल्टेज को करते हो 6 करंट होता है 2 एम्पियर, वोल्टेज को कर देते हो आप 9 तो करंट हो जाता है 3 एम्पियर। तो ये जो इस तरीके की रीडिंग आती है इस केस में, इट्स नॉट पर्टिकुलर फॉर एवरी केस, बट जहां पे आप ऐसे का सर्किट जनरेट करोगे वहां पे इस तरीके की रीडिंग्स आपके पास आएंगी। तो इस रीडिंग्स को में आपने एक पैटर्न देखा कि जितनी वोल्टेज है उसको अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास करंट बन जाएगा, इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास करंट बन जाएगा, इसको अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास करंट बन जाएगा, यानी कि इनमें कुछ रिलेशन तो है, ये तो पता चल गया। अब अगर आप देखो कि मैंने वोल्टेज को 3 गुना बढ़ाया या डबल किया, यहां से देख लो, अगर वोल्टेज को डबल किया तो करंट कितना हो गया, डबल, और अगर वोल्टेज को 3 गुना किया तो करंट कितना हो गया, 3 गुना। इसका मतलब है इस तरीके की रिलेशन जहां पे हमें नजर आती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। क्या होना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे यहां पे, इट विल बी जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको यहां पे। बोर्ड पे बनाते समय किसी वक्त ऊपर नीचे हो जाता है, बट इट विल गिव यू जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। मैं आपको फिर भी एक कंपैरेटिवली स्ट्रेट लाइन बना ही देता हूं यहां पे, सो दैट फॉर द रेफरेंस लाइन जो है वो ठीक बन जाए। सो एक स्ट्रेट लाइन यहां पे बन जाती है। तो ये इस तरीके का जो बिहेवियर है ये हमेशा तब बनता है जब दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो सवाल उठता है कि ओम्स लॉ क्या है, बेटा यही ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, ओम्स लॉ स्टेट करता है के पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, मार्कर थोड़ा सा बंद आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to, directly proportional to the current flowing in it, flowing through conductor। ठीक हो गया, प्रोवाइडेड, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ऑल अदर क्वांटिटीज लाइक, क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन, एटसेट्रा रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये है बेटा प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ।
तो जो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ है उसको बेटा यहां पे अगर आप मैथमेटिकल उसकी मैन्युपुलेशन देखनी चाहते हो तो बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं कि ओम्स लॉ जो है उसकी बेसिक इक्वेशन है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ओम्स लॉ बेटा यहां पे आके खत्म हो जाता है. ओम्स लॉ इससे ज्यादा कुछ नहीं है. दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. बट प्रॉब्लम ये है कि मैथमेटिक्स जो है वो हमें मजबूर कर देती है किसी ना किसी सिस्टम को मानने पे. इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी सिस्टम को मानते हो तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दिखता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसको हटा के कॉन्स्टेंट लगा. तो ध्यान से देखो बेटा अब ये क्या बन जाएगा हमारा. इट विल बी वी इज इक्वल टू आई आर. तो यहां पे हमारे पास एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया जिसका नाम है रेजिस्टेंस. ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इट इज नथिंग बट द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो अगर इसमें से आप R की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I. सो बेटा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट. वोल्टेज टू करंट. अब बेटा ये यहां पे ओम्स लॉ खत्म नहीं होता है बल्कि यहां से शुरू होता है क्योंकि ओम्स लॉ की ओरिजिनल फॉर्म ये थी. वहां से हमें एक क्वांटिटी मिली रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था. तो आर की वैल्यू आ गई वी बाय आई. तो अब ये है कि R को असल में कैसे ढूंढा जाता है. तो उसका सबसे बड़ा जो आंसर है वो बेटा इस ग्राफ में छुपा हुआ. अगर आप इस ग्राफ की स्लोप देखें तो यहां पे कोई दो पॉइंट्स ले लो. अब ये वर्टिकल यहां पे हमने V लिया हुआ तो इट विल बी इक्वल टू dV और बेस पे हमने करंट ले लिया तो इट विल बी इक्वल टू dI. तो ये अगर आप इस ग्राफ की स्लोप लोगे तो वो स्लोप की वैल्यू आएगी हमारे पास dV by dI which will be equal to slope of graph M or will be equal to tangent theta and this whole term will be equal to R which is the resistance. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. सो बेटा इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अब हमारा जो ये केस था इसके अंदर से V by I करोगे तो 3/1 आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से मिल जाएगी कि ये 3 है. सो इस तरीके से बेटा आपको जो है ये समझना पड़ेगा. अब एक क्वेश्चन यहां पे आपका डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है कि हमारे पास एक ग्राफ ये है. ऊपर को पोटेंशियल है, इधर को करंट है, इसको कंडक्टर वन मान लेते हैं, इसको कंडक्टर टू मान लेते हैं. अब ये बताइए कि इन दोनों में से ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी. तो ये ढूंढने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है कि हम अपना जो डी आई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्लोप लेते हैं तो हम अपना डी आई जो है उसको कांस्टेंट ले लेते हैं. जैसे ये है आपका डी आई, इसके लिए यहां पे डी वी कितना है, ये छोटा सा. बट अगर मैं इसको सीधा ऊपर ले जाऊं तो उसी छोटे से डी आई के लिए मेरे पास dV कितना हो गया, इतना बड़ा. तो अगर dV by dI निकालेंगे तो dV बढ़ने से मेरी रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए. इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये स्लोप बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी. तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ की
ऊपर वाले की हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और नीचे वाले की कम होगी। बट बेटा पेपर में कई बार आपको इसको चेंज करके एक्सिस दे दी जाती हैं, यानी कि इस तरीके से आपको यहां पे दे दिया जाएगा वी पोटेंशियल और यहां पे दे दिया जाएगा करंट। तो बेटा वहां पे आपने कंफ्यूज होना है, उस वक्त आपको ऐसे दो लाइंस दी होंगी, आपको इसको वन बोला होगा, इसको टू बोला होगा, तो आपको पूछा होगा कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप आंसर क्या दोगे कि टू की रेजिस्टेंस ज्यादा है। बट बेटा अगर आप ध्यान से देखो कि अब हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट्स बदल गए हैं, अगर आप अब इसकी स्लोप निकालते हो तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये हमारी है dv और ये हमारी है di। तो अगर आप इसी dv के ऊपर अपना नया di चेक करते हो तो बट नेचुरल है कि di बढ़ गया और dv उतना ही है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप डाउन जाएगी। तो इस केस के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वन विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ टू, और इस केस में रेजिस्टेंस ऑफ टू विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वन। चेक कर लो इसको बेटा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वर्टिकल एक्सिस पे वी लिया है कि आई लिया है, तो वहां से आपको इसका आंसर देखते ही पता चल जाएगा कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसकी कम है। तो इसको समझना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे इसको नहीं समझते हैं तो फिर वो कहते हैं सर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी चीज को आप डिटेल में पढ़ो। तो बेटा इतनी डिटेल में ओम्स लॉ को भी आपने पढ़ा नहीं? पढ़ा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी चीज को अगर पढ़ना है यू हैव टू बी वेरी पेशेंटफुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा फिजिक्स में तीन चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलरिटी, पंचुअलिटी एंड द थर्ड थिंग इज पेशेंस। पेशेंस बहुत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए किसी चीज को समझने के लिए, उसकी छोटी से छोटी जो बारीकी है उसको पकड़ने के लिए आपके पास हौसला बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। तो चलो अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं कि ओम्स लॉ का प्रूफ करना है। तो ओम्स लॉ का प्रूफ क्या है कि हमारे पास वी बाय आई की रेशियो जो है किसी कंडक्टर के लिए जिसका सर्किट ऐसा है आर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, यानी कि V बाय I की रेशियो कितने किसके बराबर होनी चाहिए? कांस्टेंट के बराबर। तो उसको प्रूव करने के लिए ये मिटा देते हैं सारा। तो उसको अगर आप ध्यान से समझोगे बेटा तो है कुछ नहीं है, बट ये है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओम्स लॉ जो है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैं काफी देर तक बात कर सकता हूं। तो अगर आप इसको प्रूफ करना है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ निकालना है हमें, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वी डू हैव रिलेशन, जो मैंने कल कराया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चेक कर लो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था कि हर अगला टॉपिक पिछले से जुड़ा है, हर अगला टॉपिक पिछले से जुड़ा है। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, उसकी उसको बेटा ओम्स लॉ समझ नहीं आए, तो आप पहले वो वीडियो देखो। उसके अंदर हमने वैल्यू निकाली थी आई इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी। माइनस साइन क्यों लगा होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा करंट के अपोजिट होती है, इसलिए। तो अब हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है हमारे पास ई टाउ डिवाइडेड बाय एम ई, यानी कि ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन पीरियड या रिलैक्सेशन टाइम, और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू इधर लगा देंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन ई ए E tau divided by ME। अब आप इसको थोड़ा सा इजीली लिख लो, माइनस एन ई स्क्वायर ए tau डिवाइडेड बाय ME इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये कंडक्टर जो हमने लिया था इसकी लेंथ है L,
स्मॉल एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, तो वो वाली वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे कि I इज इक्वल टू माइनस एन ई स्क्वायर ए टाउ डिवाइडेड बाय एम ई मल्टीप्लाई बाय वी बाय एल। तो बेटा ध्यान से दो चार चीजों को आपने यहां पे देखना है। अब जो चीज यहां पे होने वाली है ना उसको आपको देखना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से। आप बेटा उसको देखिए तो आपको पता चलेगा। बेटा ये है करंट, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, इनके अलावा अंदर वाली जो चीजें हैं इनका असली वजूद क्या है? तो मेरे को बताओ कि लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंज करेगी? जो आपने एक बार लेंथ ले ली कंडक्टर की सर्किट के अंदर वो बदलेगी टाइम के साथ? नहीं बदलेगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। रिलैक्सेशन पीरियड चेंज कर सकता है? नहीं, बिकॉज हमने ओम्स लॉ के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि टेम्परेचर प्रेशर एंड मैकेनिकल स्ट्रेस जैसी चीजें वो कांस्टेंट रहेंगी। तो यानी कि रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं कर सकता। एरिया ऑफ कंडक्टर चेंज कर सकता है? नहीं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकता है? नहीं। एन चेंज कर सकता है जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। अगर एरिया और लेंथ नहीं चेंज करे तो वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि अगर मैं ये सारी चीजें इधर ले जाऊं और बाकी सारी चीजें इधर ले आऊं, यानी कि आई इधर आ जाएगा और ये सारी चीजें इधर चली जाएंगी, यानी कि एम ई एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू वी बाय एल, वी बाय आई। ये चीज उधर चलेगी, इधर आएगी, आई इधर आएगी। तो बेटा अब ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट। इवन माइनस वन भी आपस में कांस्टेंट है। तो ये सब क्या हुआ? हमारा कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा आर के बराबर, वी बाय आर विच इज कांस्टेंट, वेयर आर इज इक्वल टू माइनस एम ई एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। बेटा ये आर यहां पे भी यही बता देता है, बिकॉज आर opposes the flow of current, so इसलिए यहां पे negative sign आता है। ये negative sign क्यों आता है? ये उसका reason है। But अगर आप magnitude में देखो, magnitude के अंदर हमारे पास value R की जो है that is M E L divided by N E square A into tau। तो ये जो वैल्यू है दैट इज इन द मैग्नीट्यूड। तो बेटा जो हमने प्रूफ करना था वो यहां से प्रूफ हो गया। सो बेटा ये था ओम्स लॉ। तो आई थिंक सो कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा है तो बेटा प्लीज लाइक द वीडियो, दैट इज जस्ट द सोर्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अस। सो बेटा घर पे रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा स्टे।